अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, एंड यहां पर हाजिर हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है Vivo Y51s का कैमरा टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर कंप्लीट में आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस का जो कैमरा है वो कैसा है। अगर आप 40,000 रुपए के बजट में एक ऐसा डिवाइस लेना चाहते हैं जिसका कैमरा आई थिंक 48 मेगापिक्सल हो, तो यहाँ पर वीडियो आपने एंटर वॉच करनी है ताकि आपको पता चल सके कि जो डिवाइस आप परचेज करने जा रहे हैं एक्चुअल में उसकी कैमरा क्वालिटी क्या है। सो वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो डिवाइस है वो फाइनली रेडी हो चुका है कैमरा टेस्ट के लिए, और इस टाइम पर मैं जिस जगह पर हूँ काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा है, और इस वजह से थोड़ा सा आपको जो है नॉइस भी आ रहा होगा। बढ़िया, मगर दोस्तों जो फोकस है वो आपने कैमरा की तरफ करना है। तो एक्चुअल में दोस्तों मुझे इस स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर लगी है। तो सबसे पहले मैं 2-3 पिक्चर्स फ्रंट कैमरा से जो है क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जस्ट जो है सिंपल पिक्चर है, और इस तरह की हमने जो है 2 पिक्चर्स क्लिक की हैं विदाउट पोर्ट्रेट। ये सिंपल पिक्चर थी, अब यहाँ पर हम जो है पोर्ट्रेट पर इसकी एक पिक्चर क्लिक करते हैं, जिसमें मैं ब्यूटी मोड को थोड़ा फुल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर लेंस पे बूके जो है उसको ऑन कर देता हूँ ताकि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए। सो पिक्चर में बैक में जो हमें ब्लर देखा है काफ़ी अच्छा ब्लर देखने को मिला है, और यानी कि अच्छी डिटेल मिली है। तो ये होगी कुछ इसके मतलब फ्रंट कैमरा से पिक्चर्स होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक कैमरा से जो है इसकी पिक्चर्स निकाल देते हैं। बाय द वे, मुझे जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी है, जिसमें हम पोर्ट्रेट में सबसे पहले पिक्चर को क्लिक कर देते हैं, और हम बूके में यहाँ पर पिक्चर को क्लिक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड को जो है ये ब्लर कर सके। सो बैक से हमने पोर्ट्रेट क्लिक किया है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स जो है वो निकल कर आई हैं। काफ़ी अच्छा शाइन हमें देखने को मिला है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ब्लर हुआ है, और एक अच्छी डिटेल इसमें हमें जो है प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट पिक्चर दोस्तों हम सिंपल फ़ोटो से क्लिक करते हैं ताकि हमें बैक कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी जो है वो समझ में आ जाए। सो ये सिंपल पिक्चर थी जिसमें HDR का फीचर जो है वो इनेबल था, और कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं था, जस्ट नॉर्मल पिक्चर हमने जो है क्लिक की है। अब यहाँ पर जो है हम इससे वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो वीडियो शूटिंग है वो 30 FPS तक है, यानी कि 30 FPS तक जो है आप वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर 60 FPS वाला ऑप्शन नहीं है, जबकि मैं वीवो का Y51 यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सुपर वाइड एंगल से है, और यहाँ पर हम सिंपल वीडियो बना के चेक कर देते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने क्लिक की हैं। ये जस्ट फेस से जो है सेल्फी कैमरा से ये पिक्चर्स हमने क्लिक की हैं, नॉर्मल पिक्चर्स हैं। इसके अलावा ये हमने फेस पोर्ट्रेट जो है क्लिक किया है, यहाँ पर यानी कि बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए पोर्ट्रेट हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बैक से सिंपल पिक्चर हमने क्लिक की है, और ये जो पिक्चर आ जाती है इसमें हमने जो है बैक में पोर्ट्रेट यूज़ किया है, और यहाँ पर इसके अलावा हमने जो है 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ जो पिक्चर क्लिक की है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 48 मेगापिक्सल के साथ काफ़ी अच्छी डिटेलिंग हमें देखने को मिली है। भाई देखिए, ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, अब ये मैंने फ्रंट कैमरा से ली हैं जिसमें ब्यूटी मोड जो था वो इनेबल था, और यहाँ पर आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर भी मिला। एंड लास्ट पिक्चर यहाँ पर हमने जो क्लिक किया है फ्रंट कैमरा से क्लिक की है, HDR का फीचर इनेबल था, और सिंपल पिक्चर विद ब्यूटी मोड हमने जो है क्लिक की है। यहाँ पर जो आपको वीडियो क्वालिटी नज़र आ रही है ये बैक कैमरा से है, और फुली मैं इसको 8x तक जो है जूम कर सकता हूँ, और यहाँ पर जस्ट 30 FPS तक जो है आप शूट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओवरऑल यहाँ पर एक स्लो मोशन टेस्ट है, तो स्लो मोशन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जैसा होना चाहिए था, बट ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेबल है। इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है कि जैसा कि हम ये समझ सकें कि भाई बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट स्लो मोशन है, नॉर्मल है, आपके लिए अच्छा है, टिकटॉक के लिए बेस्ट है। आई होप गाइस आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कॉमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई और हर्ट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।